डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग चलते हैं क्लास टेंथ के लिए साइंस सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करते हैं। क्लास टेंथ के लिए साइंस, साइंस का अगर बात करें तो हम लोग जो पढ़ रहे थे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग पढ़ते पढ़ते पिछले क्लास तक का जो चीजें डिस्कस हुई थी उसमें हमने लेंस सूत्र को प्रूफ किया था। लेंस सूत्र का क्या फार्मूला होता है, तो 1/v - 1/u = 1/f ये फार्मूला हुआ था। अब इसको हम लोग फार्मूला प्रूफ कर लिए थे। जरा एक छोटा सा टॉपिक है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो टॉपिक है लेंस का आवर्धन। लेंस का आवर्धन, चलिए लेंस के आवर्धन हम लोग पढ़ते हैं कि लेंस का आवर्धन क्या होता है। जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों, हम लोग दर्पण का आवर्धन पढ़े हुए थे। दर्पण का आवर्धन क्या होता है हमने उसको पढ़ा था। एम से सूचित किया जाता है जैसा कि पता है आपको, और उसका फार्मूला -v/u हुआ करता था। कब? दर्पण में। दर्पण में हम लोगों का जो आवर्धन का फार्मूला था वो क्या था, -v/u। अब चलिए हम लोग लेंस के आवर्धन को पढ़ना शुरू करते हैं। तो लेंस के आवर्धन का फर्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे, बोलकर लिखवा रहे हैं, आप लिखते चलिए। लिखा जाए प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। आवर्धन कहा जाता है। नेक्स्ट एरो देंगे, नेक्स्ट एरो इसमें लिखिएगा आवर्धन को एम से सूचित किया जाता है। छोटा एम, बड़ा एम नहीं, छोटा एम। आवर्धन को एम से सूचित किया जाता है। चलिए अब इतना चीज लिखने के बाद अब जरा आप समझिए। जैसा कि आपको पता है लेंस सूत्र, लेंस का आवर्धन या फिर दर्पण का आवर्धन वही होता है। हम लोग दर्पण के आवर्धन में भी पढ़े थे कि वस्तु का ऊंचाई, सॉरी प्रतिबिंब का ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आवर्धन बोलते हैं। तो यहां भी वही चीज है, उसके नीचे अर्थार्थ करके हम लोग ये बात लिखेंगे कि लेंस का जो आवर्धन होता है, लेंस का जो आवर्धन होता है वो क्या होता है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई को ही हम लोग बोलते हैं आवर्धन। और आवर्धन को किससे सूचित करते हैं, एम से। और प्रतिबिंब की ऊंचाई को मान लिया एच डैस और इसको मान लिया एच। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जैसा हम लोग दर्पण में एम का फार्मूला -v/u बोलते थे, तो लेंस के लिए जो होता है, तथा लेंस के लिए होता है आवर्धन v/u। यानी कि आपको इन चीजों को याद रखना चाहिए कि दर्पण में होता है -v/u और लेंस के लिए जो आवर्धन होता है वो कितना होता है, v/u। समझ पा रहे हो चीजों को, यानी कि लेंस का जो आवर्धन होता है वो प्लस में v और प्लस में u होता है लेंस के लिए। जैसा कि दर्पण सूत्र में क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f। लेंस सूत्र में क्या होता है, तो 1/v - 1/u = 1/f। उसी तरीके से अगर दर्पण सूत्र में दर्पण के लिए आवर्धन क्या होगा, तो -v/u, लेकिन लेंस के लिए क्या होगा, v/u। जरा आप इसको समीकरण एक माने, जरा इसको समीकरण दो माने, तो समीकरण एक और दो से क्या मिलेगा, समीकरण एक और दो से लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगा, मतलब h/h = v/u। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि प्रतिबिंब दूरी बटा वस्तु दूरी
को भी हम लोग लेंस का आवर्धन कह सकते हैं। ठीक है, तो आप इन चीजों को यहां तक के नोट कर लीजिए, फिर उसके नीचे एरो देना है। इतना चीज नोट करने के बाद एरो देना है, लिखेंगे लेंस में किसी वस्तु के लेंस में किसी वस्तु के प्रतिबिंब दूरी तथा वस्तु दूरी के अनुपात को लेंस का आवर्धन भी कहा जाता है। तो वही चीज लिखे हैं जैसा कि यहां पे हम लोग लिखे कि अभी मतलब प्रतिबिंब दूरी, यू मतलब वस्तु दूरी, लेकिन दोनों का वैल्यू यहां पे प्लस में होता है। एम बराबर भी बटा यू होता है, वहां पे क्या होता था माइनस भी बटा यू। तो चलिए इतना चीज हम लोग पढ़ लिए, पिछले दिन हम लोग लेंस के सूत्र को प्रूव किए, आज हम लोग लेंस का आवर्धन को पढ़े। अब हम लोग को मेन काम जो होना चाहिए वो ये कि क्यों ना न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम देख लिया जाए लेंस सूत्र से रिलेटेड। लेंस सूत्र जैसे कि हम लोग दर्पण सूत्र पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम किए थे, उसी तरीके से अब हम लोग आइए चलते हैं लेंस सूत्र पे कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को देखते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ क्वेश्चन नोट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, आप इन क्वेश्चंस को लिखते चलिए और फिर हम इसको सॉल्यूशन करके भी बताएंगे कि सवाल में क्या क्या का वैल्यू दिया है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चंस नोट किया जाए जो अभी बोल रहे हैं। तो लिखा जाए क्वेश्चन, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी पंद्रह सेंटीमीटर है पूर्ण विराम यदि यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बने तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बने तो उस वस्तु की दूरी कितनी होगी तथा इस वस्तु के लिए आवर्धन भी ज्ञात कीजिए चलिए क्वेश्चन में क्या क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन में ये बोला कि फोकस दूरी कितना है, किसी अवतल लेंस है, आपको पता होना चाहिए। एक चीज आपको नोट करके बता रहे हैं कि जहां कहीं भी अवतल लेंस दिखा रहे उसमें यू भी जो है से कि माइनस में लेना होता है, भी प्रतिबिंब भी माइनस में, यू भी माइनस में, यानी कि अवतल लेंस के लिए आपको बहुत बड़ा चीज समझ में आना चाहिए कि जहां कहीं भी अवतल लेंस होगा वहां पे यू कोची में होगा माइनस में, और भी माइनस में होगा, यू भी माइनस में, सॉरी एफ तो भी माइनस। लेकिन अगर यही मेरा उत्तल लेंस हो जाए तो आपको वस्तु दूरी तो माइनस में होगा, क्योंकि वस्तु हमेशा कहाँ रखा जाता है, तो बाईं ओर रखा जाता है। तो हम लोग चिन्ह परिपाटी पढ़े ना कि बाईं ओर की दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो अगर उत्तल लेंस हो जाए तो यू का वैल्यू माइनस लेना है, लेकिन अगर उत्तल लेंस में भी जो होता है वो प्लस होता है और उत्तल लेंस के लिए जो एफ होता है वो भी प्लस होता है। तो इन चीजों को आप नोट करके आप लिख सकते हैं, जो बहुत बढ़िया काम करता है न्यूमेरिकल में, ठीक है, न्यूमेरिकल में काम करता है। चलिए सबसे पहले आप चीजों को पढ़िए। तो लिखा हुआ है
एक अवतल लेंस है, एक अवतल लेंस है, और अवतल लेंस में तो सब माइनस होता है, और उत्तल लेंस में खाली वस्तु माइनस होता है, बाकी सभी चीजें प्लस होता है। तो यहां पे इसका जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो लिखिएगा दिया है, क्या दिया है भाई, कौन सा लेंस, तो अवतल लेंस, अवतल लेंस, और अवतल लेंस दिया हुआ है तो अवतल लेंस, ठीक है, और अवतल लेंस में फोकस दूरी कितना, तो फोकस दूरी दिया है 15 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी को एफ से दिखाते हैं। अब 15 सेंटीमीटर तो दे दिया, तो प्लस में कि माइनस में, तो देखिए अवतल में एफ जो है माइनस होता है, तो माइनस लगा दिया। फिर बोल रहा है कि यदि उस वस्तु, एक वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पे बने, तो प्रतिबिंब को हम लोग किससे सूचित करते हैं, भी से। अब भी से सूचित करते हैं, वो 10 सेंटीमीटर दिया है, तो अवतल लेंस में भी किसमें होता है, माइनस में 10 सेंटीमीटर। तब बोल रहा है कि वस्तु की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब कि u का मान निकालना है, और साथ साथ आवर्धन का भी फॉर्मूला निकालना है, आवर्धन का मतलब m का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले आप करिएगा क्या कि आप लेंस सूत्र से चलिए, देखिए आपको कब पता चलेगा कि सर लेंस सूत्र लगाना है, और कब हमको पता चलेगा कि दर्पण सूत्र लगाना रहेगा। तो अगर सवाल में दर्पण का बात किया तो आप दर्पण सूत्र लगाइए, अगर लेंस का बात किया तो आप लेंस सूत्र लगाइए। तो यहाँ पे तो सवाल बोला अवतल लेंस ना, तो अब यहाँ पे लिखिएगा लेंस सूत्र से, तो लेंस सूत्र क्या होता है, तो 1/v - 1/u - 1/f, तो 1/v के जगह पे रखिए, तो v के जगह पे कितना, -10, तो 1/-10 -1/u, u तो निकालना ना है, तो u का u छोड़ दिए, = 1/f, फोकस कितना है, -15, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग इधर मिटाते हैं साइड में, क्योंकि इधर आप नोट कर लीजिएगा इस बात को, और कर लिए भी होंगे। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या बनेगा यहां से इधर, तो यहां क्या बन रहा है जरा देखिए, ये चूंकि 1/-10 है तो ये तो माइनस में है, उधर जाएगा तो किस में होगा, प्लस में, हालांकि इधर क्या बनेगा, तो -1/u, और यहां से ऑलरेडी माइनस में 1/15 है, और जब ये उधर जाएगा तो माइनस से क्या हो जाएगा, +1/10, तो यहाँ -1/u और 15 और 10 का एलसीएम कितना होगा, तो 15 और 10 का एलसीएम 30, और 15 दुना का 30, और +10 = 30, तो यहाँ हो जाएगा -1/u और 1/30, देख पा रहे होंगे 3 में से 2 गया तो 1। अब हम लोग इसको अगर पलटेंगे तभी ना u का मान निकलेगा, तो इसको भी पलटेंगे तो यहाँ बनेगा -u, क्योंकि माइनस का तो माइनस रहेगा, सिर्फ पलटना है, मैंने 1/u है तो इसको पलट दिए, 1/30 है तो इसको पलट देंगे, क्योंकि जब भी पलटते हैं तो दोनों तरफ पलटते हैं, एक तरफ नहीं, तो यहाँ पे पलटने से, या फिर आप ये बोलिए कि तिरछा तिरछी गुना करने से, तो u को 1 से गुना किए u, और 30 को -1 से गुना किए -30, तिरछा तिरछी गुना भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे u बराबर -30 आया सेंटीमीटर। ये तो हो गया आंसर, यानी u बराबर -30 का मतलब क्या, माइनस का ये बता रहा है कि लेंस से आगे बाई तरफ रखा गया है वस्तु कितना मीटर की दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। माइनस क्या बता रहा है कि लेंस से आगे होगा कि लेंस के उधर दाहिने साइड, नहीं लेंस के बाएं साइड होगा। अच्छा फिर सवाल बोल रहा था कि m भी तो निकालना है, तो अब लिखिएगा पुनः m बराबर फार्मूला, तो m बराबर लेंस में ना, लेंस में चल रहे, तो m बराबर कौन फार्मूला लगाएंगे, v/u, तो v का मान कितना है, सवाल में दिया -10, और बटा u का वैल्यू कितना आया, -30, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि 1/3 आंसर आ रहा है, यानी कि आवर्धन हो गया 1/3 और वस्तु दूरी हो गया 30 सेंटीमीटर, हालांकि माइनस का मतलब ये हुआ कि वो आगे है, मतलब कि बाएं साइड है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन लिखा जाए, अगला क्वेश्चन लिखा जाए, दो सेंटीमीटर लंबा बिंब
2 सेंटीमीटर लंबा बिंब, बिंब माने वस्तु, 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस से, किसी उत्तल लेंस से मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है, मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है, पूर्णविराम, बिंब की लेंस से दूरी, बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, पूर्णविराम, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति कौमा स्थिति तथा साइज ज्ञात करें, साइज ज्ञात करें, पूर्ण विराम, इसका आवर्धन भी ज्ञात करें, इसका आवर्धन भी ज्ञात करें। चलिए तो एक क्वेश्चन और लिए हुए हैं, जरा इनको समझिए कि ऐसे सवालों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले तो आपको ये समझ आना चाहिए कि सवाल क्या क्या बोल रहा है और हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। उन सवालों को जरा ढंग से पढ़िए और आप ये लिखिए कि सबसे पहले जो दिया हुआ चीज है वो किस लेंस का बात करता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आइए आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। आप क्वेश्चन को सामने रखिए, लिखा है कि दिया है, कौन सा लेंस है भाई, उत्तल लेंस है कि अवतल लेंस है। तो पूरा को एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, आपको पता चलेगा कि ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है, ठीक है। अब हमको पता चल गया कि उत्तल लेंस तो है, लेकिन इसमें बोला गया है कि 2 सेंटीमीटर लंबा एक वस्तु है, ठीक है। तो आपको पता है ना कि अगर वस्तु को रखते हैं वो होता है वस्तु दूरी, लेकिन लंबा छोटा ये सब क्या हुआ, वस्तु का ऊंचाई के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। तो वस्तु का ऊंचाई को हम लोग एच बोलते हैं, याद है ना, अभी ना हम लोग पढ़े आवर्धन में कि प्रतिबिंब का ऊंचाई को एच डैश बोलते हैं और वस्तु की ऊंचाई को एच बोलते हैं। तो यहां बोला क्या कि 2 सेंटीमीटर लंबा एक वस्तु है, तो वस्तु को तो एच से सूचित करते हैं, तो यहां पे रख दिया एच का मान कितना, 2 सेंटीमीटर। अब इस 2 सेंटीमीटर को प्लस में रखेंगे कि माइनस में रखेंगे भाई, तो प्लस में, क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर ही ना वस्तु को रखते हैं, तो जब ऊपर रखेंगे, इसे मान लिया कि मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष के वस्तु को तो ऊपर रखते हैं, तो मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां क्या होती है, प्लस होती है, तो इसलिए इसको हम लोग प्लस 2 सेंटीमीटर लगा दिए। फिर बोला गया कि इसका फोकस कितना है, तो 10 सेंटीमीटर वाला फोकस है, यानी कि यहाँ पे जो F का वैल्यू रखना है वो 10 सेंटीमीटर तो रखना है, लेकिन प्लस में कि माइनस में, तो देखिए उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस में फोकस कुछ ही होता है प्लस, तो F का वैल्यू प्लस 10। उसके बाद क्या बोला कि उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष से लंबवत रखा है, लंबवत का मतलब पूरा 90 डिग्री पे, मतलब अभी बताया ना ऐसे रखा हुआ है, ये लंबवत ही ना हुआ, तो बोला गया कि ऐसा ही रखा हुआ है। फिर आगे सवाल पढ़िए, तो आपको ये लिखा हुआ है कि बिंब की लेंस से दूरी जो है 15 सेंटीमीटर है, बिंब का जो लेंस से दूरी है वो 15 सेंटीमीटर है, तो बिंब माने वस्तु और वस्तु का दूरी जिसको हम लोग u बोल रहे हैं, ठीक है। तो u जब बोल रहे हैं तो यहाँ पे हमको क्या करना है, u का 15 सेंटीमीटर दूरी दिया है, लेकिन ये किसमें होगा, माइनस में, क्योंकि वस्तु दूरी हमेशा क्या होता है, माइनस में होता है। तो यहाँ पे h दिया है, f दिया है, u दिया है। फिर सवाल क्या बोल रहा है कि इनका जो है प्रतिबिंब का प्रकृति बताइए, स्थिति बताइए और साइज बताइए। देखिए
अब हम लोग को बारे में पढ़ना है, सुनिए। पहला प्रतिबिंब के बारे में, यानी कि भी होता है प्रतिबिंब, इसके बारे में क्या क्या बताना है? प्रकृति, और प्रकृति का मतलब कब हुआ कि वो वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा, तो ये तय करेगा कौन? प्रकृति का मतलब पूछ रहा है कि वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा, तो ये प्रकृति कब तय होगा कि अगर प्लस में आता है आंसर कि माइनस में आता है, यानी कि भी का मान जोची में आएगा, अगर भी का मान प्लस में आएगा तो दाहिने तरफ बनेगा, और दाहिने तरफ होता है वास्तविक, ठीक है, और अगर माइनस में भी का मान आएगा तो जिधर वस्तु रहेगा उधर, यानी कि आभासी बनेगा, ठीक है। तो इन सारा चीजों पर हम डिस्कस कर रहे हैं इसलिए क्योंकि यहाँ भी के बारे में बोला कि प्रकृति बताइए, फिर इसी के बारे में बोला कि साइज बताइए, किसका? प्रतिबिंब का साइज, माने कि एच डैश निकालिए, समझ में आ रहा है, यानी कि यहाँ पे एच डैश भी निकालने के लिए बोल रहा है, क्योंकि सवाल पढ़िए तो भी का प्रकृति, तो प्रकृति कब निकलेगा? जब भी बराबर निकालिएगा तब ना, क्योंकि भी का मान कोची में आता है, प्लस में आता है कि माइनस में आता है, इसलिए भी का भी मान जरूरी है। अच्छा, फिर क्या बोला कि प्रकृति साइज, और उसके बाद क्या एक ठो बोल रहा था, जरा क्वेश्चन देखने दीजिए, प्रकृति साइज और स्थिति, स्थिति का मतलब वो कहाँ बनेगा, ठीक है, स्थिति का मतलब कहाँ बनेगा, लेंस से आगे बनेगा कि लेंस से पीछे बनेगा, तो वो तो यही डिसाइड कर लेगा ना कि प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है, तो बात तो वही हो गया। तो हमें इतना चीज निकालना है, ठीक है। अब इतना चीज को निकालने के लिए आप कौन कौन सा चीजें इस्तेमाल करेंगे, और साथ साथ ये भी बोल रहा है लास्ट में कि इसका आवर्धन भी निकालिए, यानी कि एम का भी वैल्यू निकालिए। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, लेंस सूत्र का यूज करके यू और एफ दिया है तो भी निकाल लीजिए, और भी जब पता चल गया तो एम निकाल लीजिए भी बटा यू से, यानी कि आप यहाँ पे करिएगा क्या, आप यहाँ लेंस सूत्र से चलिएगा, पहले लेंस सूत्र से कौची कीजिएगा, इसका हम पूरा फुल बना नहीं रहे हैं, आपको हम सिर्फ समझा रहे हैं, लेंस सूत्र से चलिएगा, वन बाई भी माइनस वन बाई यू बराबर वन बाई एफ, इससे चलते 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 आप u का वैल्यू पुट कीजिएगा यहाँ पे, f का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिएगा, तो आपको यहाँ से भी का मान निकल जाएगा, ठीक है। अगर भी का मान जैसे ही निकल जाएगा, या तो प्लस में आएगा नहीं तो माइनस में आएगा, ठीक है। जब प्लस में आएगा तो आप लिख दीजिएगा, क्योंकि प्रकृति भी तो बताना है, तो प्लस में आएगा तो लिखिएगा वास्तविक और उल्टा, ठीक है, क्योंकि दूसरे साइड होगा, और माइनस में जब आंसर आएगा तो इसका प्रकृति लिखिएगा कि इसका प्रकृति जो होगा काल्पनिक तथा सीधा होगा, समझ रहे हैं चीजों को, ये प्रकृति के बारे में पता चल गया। अब स्थिति पूछ रहा है, तो स्थिति का मतलब लेंस के आगे, ये लेंस के बाई ओर कि लेंस की दाई ओर, तो अगर प्लस आएगा तो ये हो जाएगा लेंस के दाई ओर, ठीक है, और ये माइनस आएगा तो यहां लिख दीजिएगा लेंस के बाई ओर, ठीक है। तो अभी हमको ये पता नहीं ना है कि प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर भी का मान प्लस आएगा तो इतना चीज लिख दीजिएगा, और माइनस आएगा तो इतना चीज, ठीक है। अब भी का वैल्यू तो निकल गया, जब भी का वैल्यू अगर निकल गया तब हम लोग निकालेंगे एम का वैल्यू, क्योंकि आवर्धन भी तो पूछ रहा है, तो आप एम का वैल्यू निकालिएगा, लिखिएगा अब एम बराबर भी बटा में यू, और भी का मान तो यहां से निकलेगा, प्लस में निकलेगा तो यहाँ प्लस रखिएगा, और माइनस में निकलेगा तो माइनस में रखिएगा, भी का वैल्यू यहाँ रख दीजिएगा, और यू का वैल्यू माइनस 15, इसको डिवाइड करके यहाँ जो आएगा वो आंसर हो जाएगा आवर्धन का। तो इस तरीके से हम लोग भी का भी निकाल लेंगे मान, और एम का भी निकाल लेंगे। लेकिन अब इसका साइज के बारे में पता करना है कि प्रतिबिंब का साइज कितना होगा, तो जो एम का वैल्यू आएगा उसी को तो हम फार्मूला ये भी लिख सकते हैं, एच डैश बटा एच बराबर जितना यहाँ आएगा, समझ रहे चीजें, यानी कि जो एम का वैल्यू आएगा आवर्धन, इसी का ना फार्मूला एक और होता है एच डैश बटा एच, तो इसके जगह पे नीचे लिख दीजिएगा एच डैश बटा एच बराबर यहाँ जो आएगा उसको,
अब एच डैश का तो वैल्यू निकालना है, तो इसको एच डैश ही छोड़ दीजिएगा और एच के नीचे लिख दीजिएगा 2, और यहाँ पे कुछ नंबर आएगा यहाँ पे, और फिर इसलिए एच डैश का मान तिरछा तिरछी गुना कर दीजिएगा और एच डैश भी निकल जाएगा। यानी इतना चीजें आपको करना होगा खुद से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को फिलहाल हम छोड़ दिए हैं आपको समझा कर। इसके बाद एक और सिर्फ क्वेश्चन लिखिए, इसको खुद से ही बनाना है। चल लिखा जाए क्वेश्चन, लिखा जाए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस, 20 सेंटीमीटर वाला फोकस दूरी वाला अवतल लेंस में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दस सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा हो तो इस लेंस में वस्तु की दूरी ज्ञात कीजिए। तथा आवर्धन भी ज्ञात करें, तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और इन सारे क्वेश्चंस को आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, बनाना है, और बनाने के बाद हमें सेंड करना है। तो आज के क्लास को यहीं तक खत्म करते हैं। आज हम लोग न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को पढ़े, फिर अगले दिन हम लोग कुछ और पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।